नेताजी का हमेशा सपना रहा। लोकसभा चुनाव में एनडीए के खिलाफ यूपी में इंडिया गठबंधन ने शानदार प्रदर्शन किया है। बीजेपी के 400 पार वाले दावे को विपक्ष ने फेल कर दिया है। सपा ने कई ऐसी सीटों पर जीत हासिल की है जहां बीजेपी को उम्मीद भी नहीं थी। उन्हीं सीटों में से एक है पूर्वांचल की आजमगढ़ सीट। आजमगढ़ से इस बार सपा के धर्मेंद्र यादव ने जीत दर्ज की है। जीत के बाद धर्मेंद्र यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जीतने के बाद कार्यकर्ताओं से बातचीत के दौरान धर्मेंद्र भावुक हो गए। संबोधन के दौरान धर्मेंद्र यादव अचानक ही रो पड़े। दरअसल उन्हें मुलायम सिंह यादव की याद आ गई थी। उन्होंने नेताजी का जिक्र किया और फिर कहा कि अगर अभी वो इस दुनिया में होते तो सपा के नतीजों को देखकर खुश हो जाते। इस दौरान धर्मेंद्र यादव को अपनी आंखों में आए आंसू पोंछते हुए भी देखा गया। जहां आज आर्य अखिलेश यादव जी के नेतृत्व को पूरे उत्तर प्रदेश के जनमानस ने ऐतिहासिक समर्थन दिया है, मैं समझता हूँ नेताजी की आत्मा जहां भी होगी वो आज भूर भूर आशीर्वाद आर्य अखिलेश जी और सारे समाजवादियों को देने का काम जरूर कर रहे हैं। कार्यकर्ताओं को संबोधित करने के बाद धर्मेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत की। बातचीत के दौरान भी धर्मेंद्र यादव इमोशनल हो गए। बोलते बोलते धर्मेंद्र यादव की आंखों में आंसू देखे गए। आज के इस मौके पर सबसे पहले श्रद्धेय नेताजी को मैं श्रद्धांजलि दूंगा। अगर उनकी एक कर्मभूमि न होती तो शायद आज मुझे लोग मुझे पहचानते भी नहीं। आड़ी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। और चूंकि बड़े भाई भी हैं इसलिए किन शब्दों में मैं आभार व्यक्त करूँ, मैं अपनी भावनाओं को जरूर उन तक पहुँचाना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे इस काबिल समझा। श्रद्धेय नेताजी की कर्म भूमि, खुद की कर्म भूमि। आजमगढ़ लोकसभा चुनाव में धर्मेंद्र यादव ने बीजेपी के दिनेश लाल यादव निरहुआ को हराया है। सपा ने पिछले चुनावों से सबक लेते हुए उन क्षेत्रों पर ध्यान दिया था जहां वो सीट हार गए थे। उनकी ये रणनीति कामयाब भी हो गई। इस लोकसभा चुनाव में सपा ने वापसी करते हुए यूपी में अपने खोए वजूद को फिर से मजबूत किया है। सपा ने अखिलेश यादव के नेतृत्व में इस बार शानदार प्रदर्शन किया है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।